हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया क्या है, खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे वर्क स्टेटस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डन, इसका मतलब है कि इनका स्टेटस 100% कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे डन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर 30% लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे 100% कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 100%, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डन आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये मैंने कैसे किया, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये एक टेबल आप बना लीजिए कुछ इस तरीके का, और उसके बाद से ये जो है ना वर्क स्टेटस, ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रहे कि आपको टाइटल नहीं सेलेक्ट करना, और यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर यहां से न्यू सेल रूल पे जाना है, ये न्यू रूल पे आकर के, और फिर यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा डाटा बार, और डाटा बार को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे कर दीजिएगा नंबर, और यहाँ पे 0 रखना है, और इसको भी आपको नंबर कर देना है, तो यहाँ पे 1 रखना है। ठीक है, 0 और 1 रखने के बाद क्या करना है, यहाँ से आप कलर चूज कर लीजिए, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो। तो यहाँ से एक कोई कलर मैं चूज कर लेता हूँ, लाइक ये कलर, ठीक है, इसी को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आप बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो यहाँ से बॉर्डर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल छोड़ता हूँ, और यहाँ से आपको ओके करना है। ठीक है, ये ओके कर दिया, तो ये देखिए यहां पर यह हुआ आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये चाहते हैं कि जिनका टास्क कंप्लीट हो जाए 100%, उनके पे डन या कंप्लीटेड या इस तरह की चीजें लिखी हुई आए, तो इसके लिए हमें वापस से जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, वापस से जाना है न्यू रूल पे, और फिर यहां पर आना है यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहां पर आने के बाद यहां पर क्लिक कर दीजिए माउस से, और यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगा करके पहली वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू लगाइए, और यहां पे लिखिए 100%। अगर आपका टास्क 100% हो गया हो तो चलना है हमें कहां, फॉर्मेट पर। ठीक है, फॉर्मेट पे आने के बाद नंबर पे आना है, और नंबर पे आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, तो यहां कस्टम पे आ जाइए, और कस्टम पे आने के बाद ये जो जनरल आपको दिखाई पड़ रहा है इसको यहां से हटा दीजिए, यहां पर लिख दीजिए कंप्लीटेड या डन। तो ये मैंने लिख दिया डन, DONE कुछ इस तरीके से, और इसको बंद कर दिया इस तरीके से, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां से फॉन्ट पे आकर के फॉन्ट का कलर बदल दीजिए, जैसे मैंने फॉन्ट का कलर कर दिया येलो। ठीक है, आप कोई और कलर भी दे सकते हैं इसी तरह का। ठीक है, तो ये दे दिया मैंने येलो कलर, और येलो कलर देने के बाद यहां से अब आपको करना है ओके, अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, तो ये बोल्ड और येलो करके ओके कर दिया मैंने। यहां से एक काम और करना है, ये जो डॉलर है ये डॉलर साइन हटा दीजिए, डॉलर साइन हटाने के बाद आपका जो ये फॉर्मूला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो यहां से डॉलर साइन हटाने के बाद ओके कर दीजिए। अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे डन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं, तो यहां पे देखिए डन लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहां पर हटा देता हूं 30% और 100% कर देता हूं, तो ये देखिए यहां पे लिखा मैंने 100%, तो जैसे ही 100% लिखूंगा तो यहां पर भी डन लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।